हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजियामा। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कौन कौन से होल्डर होते हैं, कितने टाइप्स के होल्डर होते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्डर इन रिलेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के से रिलेशन में जो है थ्री काइंड्स के होल्डर होते हैं। दे आर फर्स्ट होता है होल्डर, दूसरा होता है होल्डर फॉर वैल्यू, और तीसरा होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो फर्स्ट देखिए होल्डर क्या होता है। एज पर सेक्शन 8, एनी पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड रिसीव द पेमेंट देयर ऑफ ऑन द ड्यू डेट इज नोन एट्स इट्स होल्डर। यानी जो लीगली जिसका नाम उस जो डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हुआ है और ड्यू डेट पर उसको उसकी पेमेंट मिलेगी, वो होल्डर होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट द मेयर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अ पर्सन डज नॉट मेक हिम द होल्डर, कि सिर्फ ट्रांसफर से ही वो होल्डर नहीं बनेगा। देयर फॉर अ पर्सन डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज सून एज ही रिसीव्स इट्स पोजेशन। भाई जैसे ही उसको एक वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मिलेगा, वैसे वो उसका ओनर नहीं बन जाएगा। इन ऑर्डर टू बी अड्योर होल्डर, वैलिड होल्डर, द पर्सन शुड बी एंटाइटल टू पोजेस द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, कि जो उसके खुद के नाम पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब होगा तभी वो उसका होल्डर कहलाएगा। द सेम हैज़ बीन हेल्ड इन द केस ऑफ बोजिना एंड वेंकटरमा मद्रास में। द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। वेयर द नोट बिल और चेक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। तो अगर देखो, अगर चेक या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा होल्डर का, तो वो अगर मान लो चोरी हो जाता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो गुम हो जाता है, तो जो होल्डर है अपने लॉस से बच जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ होल्डर को ही पे आउट होगा वो चेक। ठीक है, तो ये होल्डर ये हो गया। होल्डर वो पर्सन होता है जो जिसका नाम स्पेसिफाइड होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, मतलब कि सिर्फ बियर होने पर ही वो होल्डर नहीं बन जाता है, उसका पोजेशन होने से ही वो होल्डर नहीं बन जाता है, उसका नाम स्पेसिफाइड उस पर लिखा होता है वो होल्डर होता है। होल्डर फॉर वैल्यू, वैल्यू के लिए होल्डर। इफ़ एनी पर्सन इज़ द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द वैल्यू ऑफ विच हैज़ बीन पेड एट एनी टाइम इन द पास्ट, देन ही इज़ नोन एज होल्डर फॉर वैल्यू। अगर एक नेगोशिएबल, इफ़ एनी पर्सन इज़ द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है इंस्ट्रूमेंट, द वैल्यू ऑफ विच हैज़ बीन पेड एट एनी टाइम इन द पास्ट, की जो वैल्यू है पास्ट में वो पे की थी उसने, देन ही इज़ नोन एज द होल्डर फॉर वैल्यू, उसको होल्डर फॉर वैल्यू बोलते हैं। हु एक्चुअली हैज़ पेड द वैल्यू इज नॉट अ रेलिवेंट क्वेश्चन, भाई कौन पे करेगा ये वैल्यू, ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। सच ए होल्डर डज नॉट एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन, बट इवन ही हैज़ ऑल द राइट्स ऑफ पेमेंट अगेंस्ट ऑल द प्रियर पार्टीज़। देखो, जो होल्डर है इस टाइम पे डज़ नॉट एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट, उसने एक्वायर नहीं किया ये इंस्ट्रूमेंट को किसी भी कंसिडरेशन के लिए। से मान लो कंसिडरेशन ये होता है कि भाई मैंने किसी स्कूटर ख़रीदा, फिर उसने उस फिर मैंने उसको पेमेंट दी, या मेरे को किसी चीज़ मैंने उसको स्कूटर बेचा, मेरे को उससे पेमेंट चाहिए, ऐसा वाला रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं होगा। बट इवन इफ ही हैज़ ऑल द राइट्स ऑफ पेमेंट अगेंस्ट ऑल द प्रेयर पार्टी, फिर भी उसके पास राइट्स होंगे प्रेयर पार्टी से रिलेटेड सारे, जो एक कंसिडरेशन के बदले चेक काटा जाता है, नेगोशिएबल काटा जाता है, वही वाले सेम राइट्स। हाउएवर सच होल्डर हैज़ नो राइट्स अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली पेड द वैल्यू। देखो, होल्डर के पास ये राइट्स नहीं होते कि ये उस पर्सन से अगेंस्ट जिसने एक्चुअली जो पे करेगा उस वैल्यू को। फॉर एग्जांपल, ए रिसीव्स ए चेक्स ऑफ 5,000 फ्रॉम ए पर्सन हु ओव्स हिम दैट अमाउंट। ए ने रिसीव किया है चेक फ्रॉम अ पर्सन, एक पर्सन से जिसको उसके पैसे देने थे। ही डोनेट्स द सेम टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने
डोनेट कर दिया सेम चैरिटेबल ट्रस्ट में. इन सच अ सिचुएशन इट इज़ ए हु हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट द ट्रस्टी ऑफ द चैरिटेबल. इस केस में क्या है, जो पे वैल्यू पे करेगा वो ए होगा, ना कि जो चैरिटेबल जो ट्रस्ट का ट्रस्टी होगा. देयरफॉर द ट्रस्टी ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट आर होल्डर फॉर वैल्यू ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और इसमें सिर्फ वो जो ट्रस्टीज है ना चैरिटेबल ट्रस्ट के, वो सिर्फ होल्डर फॉर वैल्यू होंगे. उन्होंने देखो जो ट्रस्टीज को जो चेक मिला है, उन्होंने कोई काम नहीं किया इसके लिए, कोई जो भी कोई कंसिडरेशन के लिए उन्होंने उनको चेक नहीं मिला, उनको एज अ दान मिला है वो चेक, तो वो क्या कहलाएंगे, होल्डर फॉर वैल्यू. उनको बस पैसे से मतलब है, जो वो पैसे की वैल्यू के होल्डर कहलाएंगे. ठीक है, आगे है होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम्स अ पोजेसर और ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू द बियर और टू द पे और एंडोर्स देयर फॉर बिफोर द अमाउंट मैंशन ऑन इट बिकम्स पेबल. मतलब जब पेबल नहीं होती जब उसमें अमाउंट, एंड विदाउट हैविंग सफिशेंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम ही रेडल. मतलब कि हमें पता नहीं है कि भाई ये जो हमने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है वो डिफेक्टिव पर्सन से है, उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो उसको मतलब उस बिफोर द मेच्योरिटी डेट जब जो उसका होल्डर होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के ड्यू कोर्स कहलाएगा. देयरफॉर इन ऑर्डर टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स पर्सन विल हैव टू प्रूव द फॉलोइंग. ये प्रूव करना पड़ेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर, दैट फर्स्ट दैट ही इज़ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है वो. इनकेस द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर देन ही इज़ अ पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर देन ही इज़ द पे और एंडोर्सी. तो देखो ये बताना है कि वो होल्डर है उस इंस्ट्रूमेंट का. अगर वो इस इंस्ट्रूमेंट को इस पेबल टू बियरर को पेबल है ये इंस्ट्रूमेंट, देन ही इज़ इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो उस प्रकार जो पोजेशन है इस इंस्ट्रूमेंट की इस पर्सन के हाथ में है. एंड इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज़ पेबल टू ऑर्डर, अगर पेबल टू ऑर्डर है तो देन ही इज़ द पे और एंडोर्सी. वो खुद पे है और एंडोर्सी है. ठीक है, यानी अब उसको उसकी पेमेंट हो जाएगी. सेकेंड है दैट ही बिकेम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द पेमेंट बिकम ड्यू. मतलब कि पेमेंट ड्यू नहीं है, उससे पहले ये होल्डर बन जाता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है. देयरफॉर बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले अगर वो होल्डर बन जाता है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है. दिस इज सो बिकॉज इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिमेन इन सर्कुलेशन इवन आफ्टर इट्स मेच्योरिटी, डाउट्स में अराइज इन रिलेशन टू सच एन इंस्ट्रूमेंट. देयरफॉर एज पर सेक्शन 39, इफ एनी पर्सन एक्वायर्स एन इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इट्स मेच्योरिटी, देन ही विल गेट द सेम टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट एज दैट ऑफ द ट्रांसफर. अगर किसी पर्सन के पास मैच्योरिटी डेट के बाद भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको जो ट्रांसफर का जो है टाइटल वो दिया जाएगा. थर्ड है दैट ही बिकेम द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ कंसिडरेशन इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जो है वो बना है फॉर अ कंसिडरेशन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने, उसकी कंसिडरेशन पे करने के लिए वो उसका होल्डर बना. देयरफॉर एनी पर्सन हु कम्स इनटू पोजीशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच हैज डोनेटेड टू हिम मे बी द होल्डर देयर ऑफ, बट ही इज़ नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. जूनियर होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, ही गेट्स द सेम टाइटल टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज दैट ऑफ द ट्रांसफर. कि वो जरूरी नहीं है कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उनको वो टाइटल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर वाला भी मिल सकता है. फोर्थ है दैट देयर वाज नो वैलिड रीज़न फॉर हिम टू बिलीव दैट द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम ही एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट वाज डिफेक्टिव. कोई वैलिड रीज़न नहीं है उसके लिए कि बिलीव करने के लिए कि जो टाइटल ऑफ द पर्सन है उस पर्सन का जिससे उसने उसको अक्वायर किया है वो डिफेक्टिव है. इन केस एनी पर्सन इज केयरलेस इन चेकिंग द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर और नोइंगली इग्नोर्स एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, देन ही कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ हिज राइट एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो वो अपने जो राइट्स जो है उसे स्ट्रिप्ड हो जाएगा अगर वो जान पूछ के देखता नहीं है, चेक नहीं करता है. तो
आगे देखिए स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या स्पेशल प्रिविलेज मिलती है. द एक्ट हैज़ ग्रांटेड सर्टेन स्पेशल प्रिविलेजेस टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. देयर दीज आर फर्स्ट इन केस ऑफ एन इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट. हाँ जी स्पेशल प्रिविलेज देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है उसको क्या क्या स्पेशल प्रिविलेज मिलती हैं. द एक्ट हैज़ ग्रांटेड सर्टेन स्पेशल प्रिविलेजेस टू होल्डर इन ड्यू कोर्स. देखो जो एक्ट है वो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं, मतलब जो फ़ायदे होते हैं कुछ होल्डर इन ड्यू कोर्स कुछ स्पेशल फ़ायदे मिलते हैं. वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट होता है इन केस ऑफ एन इंश्योर्ड स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट. देखो अगर जो इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको थोड़ा सा इंश्योर्ड मतलब अपूर्ण आधा होगा वो, मतलब कुछ पूरी तरह से फिलअप नहीं होगा, उस केस में क्या होगा. इफ़ एनी पर्सन साइंस एंड स्टैम्प एन इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड डिलीवर्स द सेम टू एनी पर्सन, बस सिर्फ साइन कर देता है और स्टैम्प लगा देता है उस पर, then he cannot hold against the holder in due course that the instrument has not been completed according to his instruction. तब वो ना उसको hold नहीं कर सकता किसी holder in due course को कि भाई जो instrument है complete नहीं है उसकी instruction के according. This is so only if the stamp is sufficient to cover the value of the instrument. ये तभी होगा जब stamp sufficient होगी value of instrument को cover करने के लिए. देखिए example कर लेते हैं. Lloyd's Bank versus Cook. The above has also been held in the case of Lloyd Bank versus Cook. For example, A delivers a signed and stamped instrument to B along with the instruction that the amount to be filled therein shall not exceed 500. कि 500 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए. B fills in the amount of rupees 1000. B ने 1000 रुपये फिल कर लिए which is covered by the value of the stamp. जो वैल्यूज लगा रखी थी ना स्टैम्प की उसकी वैल्यू के अंदर 1000 रुपये कवर होते थे ऑन द इंस्ट्रूमेंट. इन सच अ केस बी कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ए फॉर द रिकवरी ऑफ 1000. बी जो है वो फाइल नहीं कर सकता सूट, मतलब केस नहीं कर सकता ए के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ 1000, 1000 की रिकवरी के लिए, क्योंकि उसने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि 500 रुपये तक की वैल्यू भरनी है. इफ़ हावर बी हैज़ ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू सी हु इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स देन सी गेट्स अ गुड टाइटल टू द फुल अमाउंट ऑफ 1000 एंड हिज टाइटल इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 500. लेकिन अगर बी ने वही जो चेक है या फिर जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो सी को ट्रांसफ़र कर दिया और उसे पता नहीं है कि भाई ए ने जिससे यानी बी ने ये लिया है उसने ये लिखा था कि 500 रुपए तक की चेक भरी वो कैश भरी हो उसके अंदर फिलअप करी हो, तो वो जो सी है उसको पता नहीं है, वो गुड फेथ में उसने लिया है तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे और एक तरह से उसको क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या मिल गई, एक तरह से स्पेशल प्रिविलेज मिली है कि उसको 1000 रुपये ही वहाँ से कैश मिलेंगे. ठीक है, गुड टाइटल है वो, फुल अमाउंट मिलेगा उसको 1000 रुपये का. लाइबिलिटीज ऑफ प्रियर पार्टीज. ऑल द प्रियर पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेमली द मेकर और द ड्रॉअर द सेप्टर एंड ऑल द एंडोर्सर्स कंटिन्यू टू बी लायबल टू द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपरली डिस्चार्ज. कि भाई वो कंटिन्यू करेंगे कि उसकी लाइबिलिटी होगी टू द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि लाइबिलिटीज होगी उनकी लियाबल होंगे वो होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जब तक कि द इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रॉपरली जब तक प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं होगा वो इंस्ट्रूमेंट. सारे होंगे उसके मेकर और एक्सेप्टर मेक्स द पेमेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी. जो मेकर होगा जिसने बनाया होगा और जो एक्सेप्टर होगा जिसने एक्सेप्ट किया होगा मेक्स द पेमेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी. क्या करेंगे ये पेमेंट देंगे जो एक्सेप्टर होंगे कब फॉर द इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑन या तो मेच्योरिटी की डेट पर या फिर डेट ऑफ मेच्योरिटी के बाद. ठीक है, तो लाइबिलिटी रहेगी इनकी जो भी पार्टीज होगी इसकी. फिक्शीशियस बिल काल्पनिक बिल. इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन बाय एनी पर्सन इन द नेम ऑफ द फिक्शीशियस पर्सन एंड दैट पर्सन एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन दैन ही कैन नॉट होल्ड अगेंस्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स दैट द ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वॉज अ फिक्शीशियस पर्सन. तो वो भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स को होल्ड नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका ड्रॉअर है वो एक फिक्शीशियस पर्सन है, कि दैट द ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वॉज अ फिक्शीशियस पर्सन. द सेम हैज़ ऑल्सो बीन हेल्ड इन द केस ऑफ कूपर वर्सेज मायोर सेक्शन 42 के अंदर, कि भाई अगर एक
फिक्शीशियस पर्सन के नेम पर जो है इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है, तो जो उसका आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा ना, तो उसको होल्ड नहीं कर सकते आप कि भाई फिक्शीशियस पर्सन ने ड्रॉ किया है इसको। कंडीशनल डिलीवरी, वंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन ट्रांसफर टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक बार अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला गया ये इंस्ट्रूमेंट, नो अदर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिलीव्ड ऑफ इट्स लाइबिलिटी, कोई भी पार्टी रिलीव नहीं होगी अपनी लाइबिलिटी, हमने ऊपर बात कर ली है कि वो लियाबल तो रहेंगे। देयरफॉर ऑन द ग्राउंड्स दैट डिलीवरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट कंडीशनल, जो डिलीवरी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल है, एंड दैट इट वॉज अ स्पेसिफिक पर्पज ओनली, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए है। इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, वंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पासिस थ्रू द हैंड्स ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाएगा तो ये सब डिफॉल्ट से फ्री होगा। हाउएवर दिस विल नॉट बी इन द केस ऑफ इफ द पर्सन डिमांडिंग अ क्लियर टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल हैज़ बीन अ पार्टी टू एनी फ्रॉड और कंस्पिरेंसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये उस केस में नहीं होगा कि वे जिसमें एक पर्सन डिमांड कर रहा है कि भाई वो क्लियर टाइटल का होना चाहिए, जैसे कि मान लो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो बनने वाला है वो ये डिमांड करे कि भाई क्लियर टाइटल का मुझे जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो। देयरफॉर द राइट्स ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट्स इन द टाइटल, तो उसके राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे चाहे वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइटल में डिफेक्ट ही क्यों ना हो। द सेम हैज़ बीन हेल्ड इन द केस ऑफ आरदेशीर और कुशलदास का जो केस था उसके अंदर भी यही सेम हुआ है। आगे है इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स और फॉर अनलॉफुल कंसीडरेशन, अनलॉफुल कंसीडरेशन के लिए और अनलॉफुल मीन्स के लिए आपने वो अगर इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है तो नो पर्सन लियाबल ओनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन होल्ड अगेंस्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट बाय हिम और दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज एक्वायर्ड बाय कमिटिंग फ्रॉड और एनी अदर क्राइम और दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज एक्वायर्ड फॉर अनलॉफुल कंसीडरेशन, द सेम वर्डिक्ट वाज भाई कोई भी पर्सन लियाबल नहीं होता ओनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, लाइबिलिटी नहीं होती कि भाई किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को होल्ड कर सके कि भाई तूने ये चुरा के लिया है, अनलॉफुल मीन्स से लिया है, अनलॉफुल कंसीडरेशन के लिए लिया है। ठीक है, एवरी होल्डर इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, हर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। अनलेस इट इज प्रूव्ड एट द कॉन्ट्रेरी द कोर्ट आर बाउंड टू प्रज्यूम दैट द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि हर एक जो होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। हाउएवर इन केस द इंस्ट्रूमेंट वाज एक्वायर्ड बाय कमिटिंग फ्रॉड और एनी अदर क्राइम, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है क्राइम करके फ्रॉड करके, देन द ऑनर्स ऑफ द प्रूफ इज ऑन द होल्डर टू प्रूव दैट ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि भाई वो प्रूफ दे दे उस चीज़ का कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एस्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट,